सो गाइस, आप लोगों को पता है हीरो 11 ब्लैक तो अपने पास था ही, लेकिन हमें जरूरत पड़ रही थी इंस्टा 360 की। तो ये अपने पास में है इंस्टा 360 X3 मोटरसाइकिल वाला एडिशन है। ये जिन लोगों को जैसे ब्लॉगर्स वगैरह है तो ये पूरी किट है कंप्लीट। इसको लेने के बाद आप लोगों को कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये नॉर्मल वाला भी आता है, इसमें सिर्फ कैमरा वगैरह आता है, लेकिन ये पूरी किट है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर आने वाले टाइम में जो वीडियो होंगी अपनी दुकान की हो या फिर अपनी सुपर बाइक की हो, तो कुछ काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक्स, काफ़ी अच्छे जो है रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो ये आपको दिखाता हूँ, प्राइसिंग वगैरह लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रहा हूँ, बाकी नॉर्मल अनबॉक्सिंग तो काफ़ी सारी देखी थी। जल्दी कर यार, पंप लगा हुआ है। ये क्या है? सबसे पहले तो भाई मुझे इसका जो बॉक्स है ना, बहुत ही ऑसम लगा। सबसे पहले इसमें दिख जाता है आपका इंस्टा 360 कैमरा, जो कि मेन है इसका यूनिट। इसके अलावा ये पूरी जो प्रीमियम चीज़ें हैं ना, ये अलग से अगर मैं बाय करता तो कर तो लेता, लेकिन जो कंपनी देती है ना उसकी बात ही अलग होती है। इसमें काफ़ी सारे आपको माउंट मिल जाएंगे, ये देखो गाइस, जो कि अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी प्रीमियम है ये देखो इस। तो क्वालिटी काफ़ी ऑसम रहती है, बाकी बाहर से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं दुकान पर भी मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेचते हैं, लेकिन जो कंपनी की चीज़ें होती है ना, जो ब्रांडेड चीज़ें जो ब्रांड के साथ में आती है, उसकी बात ही कुछ और होती है यार। तो ये माउंट है जो कि यूनिवर्सल है, बाइक के किसी भी हैंडल में, बैक साइड में, कहीं भी लगा सकते हो। बाकी जो आपका कैमरा है वो भी आपको दिखा देते हैं, ये लो जी। और जब भी आप लेना तो ये सील वगैरह चेक कर लेना। यहाँ पर जो है ना कुछ स्टिकर सा लगा होता, तो ये लगा हुआ होना चाहिए, वरना ये जो है गारंटी के लायक भी नहीं रहता। और आप समझ सकते हो कि ये यूज़ करा हुआ है, बाकी इसमें कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये है, इसके अलावा इसकी कुछ फिटिंग यहाँ पर भी है। लोग जैसे बैक साइड से सिनेमैटिक लेते हैं तो उससे कर सकते हो, या फिर अगर आप फ्रंट से करना चाहते हो शूट तब भी आप कर सकते हो। कुछ और यहाँ पर जो है कनेक्टिंग्स दे रखी हैं, काफ़ी सारी भर भर के दे रखी हैं भाई। उधर भी दे रखी हैं दो, इधर भी दो, और इधर भी देख सकते हो आप। तो आप हेलमेट पे जो सेटअप करना चाहते हो तो हेलमेट पे कर सकते हो, अगर बाइक पे करना चाहते हो तो बाइक पे भी कर सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स और है यहाँ पर, ये इसमें पता नहीं क्या है। अच्छा जी, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। ओहो, ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आज तक शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। ये इसका जो है इसकी तौलिया है, इसे क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग क्लोथ है ये, क्योंकि मेन तो लेंस ही है भाई, उसे साफ़ करने के लिए स्पेशली इन्होंने कपड़ा दे रखा है। बाकी इसमें कुछ इसके स्क्रूज वगैरह है, और ये कुछ ये क्या चीज़ है, ये इसका आई थिंक कवर होगा। हाँ ये कवर, ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि देखो इसके कैमरे कितने ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे आप रखोगे ख़त्म गया, तो इसीलिए ये लगाना ज़रूरी है। तो ये हो गया, बाकी इसकी एक USB केबल है, एक सस्ते नशे की पुड़िया है, एक ये चीज़ क्या है जी, ये भी देख लें। ये आई थिंक इसकी गाइस 3M वाली टेप होगी जो पीछे माउंट वगैरह करते हैं हम। हाँ, तो ये गाइस ये जो इस तरीके के आते हैं ना माउंट्स, तो इनकी टेप है पीछे। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी इसमें एक चीज़ मिस हो रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेसरीज तो बहुत है भाई, एक इसमें साथ में मिल जाता है आपको मेमोरी कार्ड, जो कि इंस्टा 360 की ब्रांडिंग मिलेगी, और 64 GB का साथ में मिल जाता है। अब इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से लेंस मिस है, जो इसके ऊपर के आते हैं ना गार्ड, आते हैं लेंस गार्ड, तो वो शायद इसमें नहीं है, और मेरे अंदाज़ से वो है ही नहीं इसमें। इसके अंदर और कुछ तो नहीं है ना, बस यही है। तो ये था गाइस, हाँ एक स्टिक भी गाइस, मेन चीज़ तो भूल ही गया यार। तो ये है इनविजिबल स्टिक, जिसमें आप जब शूट करोगे, जो वीडियो वगैरह करोगे, जो वीडियोग्राफी करोगे, तो ये स्टिक जो है वो गायब हो जाती है। मतलब हकीकत में तो रहती है, लेकिन वीडियो में गायब हो जाती है। तो ये है जी, बाकी इसमें आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी तो काफ़ी ऑसम भाई, ये लो जी। तो ये इस तरीके से जाती है, और अब आने वाले टाइम में आपको इसके कुछ सिनेमैटिक देखने को मिल जाएंगे, कुछ वीडियो मिलेंगे, हो सका तो अपनी बाइक पे रिएक्शन लेंगे तो इसी से ही लेंगे। और बाकी GoPro 11 तो है ही गाइज, बाकी गाइज इसमें हाँ काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने यहाँ किट इसलिए ली है, अगर नॉर्मल लेता तो 10-11 हज़ार रुपये का सामान अलग से लेना पड़ता मुझे कम से कम, लेकिन वो फिर उतना मज़ा नहीं आता। तो ये पूरी किट में ये टेंशन नहीं है, अब एक लेंस और इसमें ले लेंगे, लेंस नहीं सॉरी स्क्रीन गार्ड, वो लगा के बस छुट्टी। बाकी इसमें ये चीज़ क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ है, ये भी शायद माउंट ही है कुछ इस तरीके की चीज़ें। हाँ ये माउंट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें की क्वालिटी देखो यार कितनी बढ़िया है इसकी। ये आ गया अपना मेन कैमरा, तो इसकी जो मैंने आपको बताया था ना ये सील, ये चेक कर लेना भाई, ये लगी होनी चाहिए। ये है इसकी बैटरी, अभी इसमें कुछ खर्चा और करना पड़ेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी मुझे लेनी पड़ेगी, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चार्जर भी लेना पड़ेगा, तो वो एक अलग खर्चा है। जब भी आप इसको गाइस लॉक करोगे ना, तो आप ये देख लेना, ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, ये ऑरेंज ही दिखना चाहिए,
ये पूरा गैप खत्म होना चाहिए। अगर ये ऑरेंज दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर तरीके से ये लॉक नहीं हुआ है, तो ये आप चेक कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप इसको जो है ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही ब्लू कलर की लाइट जलेगी। काफी प्रीमियम चीज है यार। बाकी इसमें 5.7K है, 4K है, तो आप लोग देख लेना आप किस फ्रेम रेट पे सेट करना चाहते हो, आप कर लेना। तो ये हो गया गाइस। बाकी आने वाले टाइम में इसकी मैं सिनेमैटिक्स आपको दिखाऊंगा, कुछ वीडियो भी शूट करके दिखाऊंगा। और इसकी बात की करें प्राइसिंग की, तो कितना प्राइसिंग पड़ा इसका ये भाई बताएगा हमारा। कितना प्राइस पड़ा भाई इसका? ये हमें पड़ा 53,000 का। नॉर्मल वाला आ रहा था 44,500 का। तो मैंने किट यार इसलिए लेना बेटर समझा क्योंकि मुझे ना माउंट भी चाहिए थे, कुछ इस तरह की कनेक्टिंग्स भी चाहिए थी, बाकी सब कुछ फिर अलग से खरीदना पड़ता। तो बात वही है, बाकी ये कि अगर आप कंपनी से ले लेते हो सब कुछ आपको मिल जाता है और ब्रांडिंग वगैरह साथ में मिल जाती है, और जो क्वालिटी होती है ना ये फिर अलग ही लेवल की होती है भाई। आज की वीडियो में तो ये था आपका इंस्टा 360 X3 वाला एडिशन। X2 भी आता है, बाकी और भी काफी सारे आते हैं। अगर कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, प्राइसिंग बता दी है। अगर आप भी मंगाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।